हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एकेडमी। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो 10th क्लास के लिए है। 10th क्लास में हमने अपना जो चैप्टर है फोर्थ क्वाड्रेंट इक्वेशन वो स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमारी जो 4.1, 2, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 4.4 आप देखिए एक्सरसाइज, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए इसमें। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है इसमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। क्या है कि हमारे पास एक आम का एक बाग है वो रेक्टेंगुलर की शेप का है या नहीं, हमने वो चेक करना है इसमें। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इस क्या है उसकी जो रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रो है आपके पास ये। अब इसमें ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ जो है वो आपकी ट्वाइस मतलब डबल है, किससे, ब्रेड्थ से। उसके बाद क्या है, एंड द एरिया, और इसका हमारे पास जो एरिया है वो गिवन है 800 मीटर स्क्वेयर। हमने निकालने क्या है इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने इसमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसमें क्या है कंडीशन, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, की जो लेंथ है वो डबल है किससे, ब्रेड्थ से। जब हमारे पास क्या हो, ब्रेड्थ हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए लेट कर लेंगे इसमें, लेट द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमने लेट कर ली इसमें एक्स मीटर। तो हमारे पास जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगा आपकी ट्वाइस, की जो ब्रेड्थ है उसकी डबल हो जाएगी। उसके बाद जो एरिया है वो आपके पास क्या है, गिवन 800 मीटर स्क्वेयर। तो देखिए आगे हमारे पास जो एरिया है वो किसका है, ये रेक्टेंगुलर का है। अब रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखिए हमारी जो लेंथ है वो क्या है, 2x है, जो ब्रेड्थ है वो हमारी क्या है इसमें एक्स मीटर है। अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ हमारी क्या है इसमें 2x पुट कर देंगे यहाँ पे, ब्रेड्थ हमारी क्या है एक्स पुट कर दोगे यहाँ पे, इसको टू 800। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 2x² इजक्वल टू 800, 2 इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल हो जाएगा 2 से, x² इजक्वल टू 800 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल, कितना आ गया आपके पास ये x² इजक्वल टू 400। अब इस 400 को आप इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा नेगेटिव का 400। हमारी क्या बन गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहोगे इसमें हमारे पास जो एक्स है वैल्यू, एक्स जो टर्म है वो नहीं है। मैंने आपसे बता रखी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है जिसमें डिग्री क्या हो आपकी 2 हो। तो यहाँ पे डिग्री हमारी क्या है, देखिए 2 है, एक्स स्क्वेयर इसको हम डिग्री बोलते हैं यहाँ पे, जो पावर है। तो डिग्री हमारी 2 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम पहले चेक करेंगे क्या ये कंडीशन प्रूव है, पॉसिबल है नहीं है। देखिए तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac। अब यहाँ पे देखिए जो b की वैल्यू है वो क्या आपके पास, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ax² + bx + c। x का जो कोफिशियंट है वो b है। अब इसमें देखिए x हमारे पास है नहीं, x² तो है पर x नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, b की वैल्यू 0। a की वैल्यू क्या आपके पास, x² का कोफिशियंट, देखिए x² के साथ a, तो x² के साथ क्या हो जाएगा इसमें 1। c की वैल्यू आपकी क्या है 400। सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 4 = 16, तो आपकी वैल्यू क्या है, ये 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल, कि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू -b + -√d/2a, ये इसमें अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास है नहीं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगी 0 प्लस माइनस d की वैल्यू 1600 2a। a की वैल्यू क्या है आपके पास, x² का कोफिशियंट 1, सोल्व करोगे 0 हो जाएगा ये, तो उसके बाद 16 का जो रूट है आपका क्या हो गया 4, 2 0 में इसका लिख देंगे 1 0 लिख देंगे, मीन्स इसका जो रूट है वो क्या आ गया 40 ± 2। अब यहाँ पे देखिए जो 40 है वो आपका प्लस का भी है और माइनस का भी है, ए बार ले लेंगे प्लस का, ए बार ले लेंगे माइनस का, सोल्व करोगे 20 - 20। अब माइनस की वैल्यू तो हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई इसमें 20 आ गई इसके अंदर, कि हमारी जो लेंथ है वो नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, तो हम लेंथ और ब्रेथ हमें अपनी निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो हमारी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ क्या है 2x, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 20, कितना आ गया 40 मीटर। उसके बाद ब्रेड्थ आपकी कितनी हो जाएगी x की वैल्यू क्या है आपके पास 20, ये आपकी क्या आ गई इसमें x की वैल्यू भी आ गई, मीन्स ब्रेड्थ भी आ गई आपके पास, लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई। तो देखिए आज हमने इसको कैंसिल किया है,
2020 आ गया यहाँ पे, ये नेगेटिव आएगा 20, नेगेटिव वैल्यू नाइलेट कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो नेगेटिव में नहीं होती, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू हो क्या आ गया आपके पास 20 आ गया। अब 20 हमने पुट कर दिया लेंथ में, लेंथ हमारी क्या है 2x, यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 20 20 2 40, लेंथ आ गई, ब्रेथ अपनी क्या है लेट कर रखी हमने x, तो x जो वैल्यू आई हमारी यहाँ पे वो हमारी क्या आ गई इसमें ब्रेथ आ गई। अब देखिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये कंडीशन है वो आपकी पॉसिबल है, कौन सी कंडीशन देखिए, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, और कंडीशन आपकी पॉसिबल है तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू, देखिए प्रेजेंट एज निकालनी है, कौन सी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, की दो फ्रेंड है दोनों की जो एज का जो सम है वो क्या है 20 ईयर्स है, उसके बाद क्या है 4 ईयर्स एगो, कि 4 साल पहले, एगो मीन्स 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 है, तो हमने पहले कंडीशन चेक करनी है। तो देखिए हमारे पास जो एज है, दो फ्रेंड है इसमें, ये हमारा फर्स्ट फ्रेंड हो गया और ये सेकेंड फ्रेंड हो गया, दोनों केस क्या है 20 है, जैसे कि हमने फर्स्ट फ्रेंड केस ऐड कर लेते हैं x, तो आपके पास सेकंड की कितनी आ जाएगी, x को आप उधर शिफ्ट करोगे कितना आ गया 20 माइनस x, तो देखिए इसमें लेट कर लेंगे, लेट लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कि जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी जो एज है वो हमने क्या लेट कर लेंगे इसमें x लेट कर लें ईयर्स, तो उसके बाद देखिए द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज क्या है 20 माइनस एक्स आ गया आपकी 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब देखिए आगे कंडीशन क्या कह रहा है इसमें, 4 ईयर्स एगो, कि 4 साल पहले, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी आपकी 4 ईयर्स पहले, कि 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो क्या हो जाएगी आपकी 4 साल पहले, मीन्स माइनस होगी इसमें से, प्रेजेंट एज क्या है एक्स, उसमें से माइनस कर देंगे 4, ऐसे ही सेकंड फ्रेंड, अब सेकंड के क्या हो जाएगा इसमें से आप 4 माइनस कर दोगे 20 माइनस एक्स माइनस 4, कितना आ जाएगा आपके पास ये 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स ईयर्स आ गया आपके पास ये। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 48 है आपके पास, देखिए दोनों की एज का प्रोडक्ट कर देंगे एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए प्रोडक्ट कर देंगे x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे 16x, x की मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ एक्स स्क्वायर, इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ 64, x की 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 48। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको आप उधर शिफ्ट कर दो प्लस का हो जाएगा, उसके बाद क्या है 16x प्लस का 4x कितना हो गया 20 20, आप उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा ये नेगेटिव का, 64 का उधर लेके जाओ पॉजिटिव, और इधर हमारा जो पॉजिटिव वो क्या है 48, इधर क्या बचेगा 0, इधर लिख दो 0 आप, बात एक ही इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका, बस माइनस का 20 8 और 4 12 6 4 10 11। अब देखिए इसको हम चेक करेंगे पहले कि हमारी जो कंडीशन है वो पॉसिबल है नहीं है, वो हम किससे करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से, डी से बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस 20, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, सी की वैल्यू क्या है जो कॉन्स्टेंट टर्म है 112, 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 400, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगी 20 माइनस, इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कितना हो जाएगा 844, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 48, ये वैल्यू हमारी क्या है लेस देन 0 है। क्या ये कंडीशन अब आपकी पॉसिबल होगी, नहीं होगी पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो डी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो। अब देखिए हमारी जो डी की वैल्यू वो क्या आ गई इसमें 0 से छोटी आ गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नो रियल रूट, तो यहाँ पे इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे आपके, यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या होगी नॉट पॉसिबल। अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, आज हमारा जो चैप्टर है फोर्थ 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का फोर्थ चैप्टर हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो देखिए आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे क्लासमेट उनको शेयर करिए, स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का जरूर नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इसमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन इन रेक्टेंगुलर पार्क, एक हमारे पास क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये क्या जिसे कहें रेक्टेंगुलर, जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है,
और पेरीमीटर 80 मीटर। अब पेरीमीटर क्या है इसका? 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 चारों साइड का सम। वैसे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट L+B। ये हमारा कितना है इसमें? 80 मीटर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, दो तो इसमें क्या है लेंथ है और दो हमारी क्या है ब्रेड्थ है। तो आप मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ। मीन्स दोनों लेंथ का सम, दोनों लेंथ प्लस कर देंगे, दोनों ब्रेड प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और वो हमारे पास क्या है इसमें गिवन है। आगे क्या है, जो एरिया है वो भी क्या है 400 मीटर स्क्वेयर। इफ यू फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड, हमें क्या निकालनी है? लेंथ और ब्रेड निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे अपनी लेंथ और ब्रेड। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो लेंथ हम क्या ऐड कर लेंगे इसमें एक्स मीटर। अब इसकी जो ब्रेड्थ है आपकी वो क्या हो जाएगी, देखिए इसमें ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। देखिए हमारे पास क्या है, इस जो चारों साइड है उनका सम आपके पास कितना है 80 है। जब हम क्या करते हैं, हमने क्या कर दिया, डायगोनल खींच दिया इसके अंदर। मीन्स यहां से हम इसको हटा देते हैं, एक लेंथ को और एक ब्रेड्थ को। अब हमारी क्या होगी इसमें कि दो साइड बची, इसमें एक लेंथ बची गई और एक हमारी क्या बची गई इसमें ब्रेड्थ। मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना आ गया इसमें L+B, हाफ हो जाएगा 40 मीटर। अब देखिए हमने लेट करके इसमें लेंथ कितनी है x, तो आपकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ जाएगी इसके अंदर। देखिए लेंथ में हम पुट कर देंगे x, x को आप इधर शिफ्ट करोगे 40 - x आ गया आपके पास। ये देखिए आपके पास जो ब्रेड्थ है वो क्या आ गया 40 - x मीटर। हमारे पास जो एरिया है वो कितना गिवन है इसके अंदर 400 मीटर स्क्वेयर। अब हमारा जो एरिया है वो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारी कितनी है इसके अंदर x, ब्रेड्थ क्या है आपके इसके अंदर 40 - x = 400। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ कितना आ जाएगा 40x माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई करोगे x के साथ माइनस का x2। अब x2 को आप इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस का 40 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का क्या है आपका 400 = 0। चाहे आप इधर लिखो चाहे आप इधर लिखो। अब देखिए हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या बना देंगे, इसके फैक्टर बना देंगे। देखिए अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको कि हमारी जो कंडीशन है वो पॉसिबल है नहीं है, वो हम कैसे करेंगे, डी की आइडेंटिटी से, डिस्क्रिमिनेंट से। अब देखिए यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो क्या है एक्स का कोफिशियंट, वो हमारे पास क्या है माइनस का 40। ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट वो आपके किस वैल्यू होती है ए की, वो हमारी क्या है इसमें 1। कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे इसमें 1। सी की वैल्यू क्या है 400। सोल्व करेंगे 40 का स्क्वायर कितना आ गया 1600 माइनस का 4, 4 = 16। कितनी वैल्यू आ गया आपके पास 0। मीन्स हमारे पास जो डी है वो क्या आ गया इसमें 0 के इक्वल आ गया। मीन्स यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, दो रूट आएंगे, दोनों क्या आएंगे इसमें इक्वल। इट हैज 2 इक्वल रियल रूट, क्या आपके क्या है यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। सो इट इज पॉसिबल ऑफ गिवन कंडीशन, कि आपके पास जो कंडीशन है वो आपकी क्या है पॉसिबल है इसमें जो गिवन कंडीशन है। तो अब देखिए हम यहाँ निकाल देंगे अपनी x की वैल्यू। अब उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, -b + -√d/2a। ये हमारा क्या है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर देंगे जिससे हमारी क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमारी क्या है इसमें x = -b + -√d/2a। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो हमारी a की वैल्यू, x का कोफिशियंट है वो b। तो हमारी जो b की वैल्यू है वो क्या है इसके अंदर माइनस का 40, और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। d की वैल्यू क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 0, और 0 का रूट आपका क्या होगा 0 रहेगा अपॉन में 2a। a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, आगे कुछ नहीं क्या ले लेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए जो जीरो है ए भर लेंगे इसमें पॉजिटिव में, ए भर लेंगे इसमें नेगेटिव में। 40 + 0 = 40, 40 ए भर ले लेंगे इसमें ये नेगेटिव है, 40 - 0 = 40/2। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 20 आ गई, 2 इक्वल रूट्स आ गए आपके 20। अब हम क्या है लेंथ और ब्रेड्थ अपने निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो हमारी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ हमने क्या लेट कर रखी है इसमें एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है 20, और आपकी जो ब्रेड्थ है वो क्या हो जाएगी 40 - x। यहाँ पे जो x है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 20, 40 - 20 कितना आ गया 20 मीटर।
अब देखिए हमारा क्या है इसमें कि हमने एक रेक्टेंगुलर हमने जो पार्क लिया है ए बी सी डी हमारा जो पार्क है उसमें क्या है लेंथ और ब्रेथ आपकी दोनों क्या आ गई सेम आ गई। तो हमारा क्या है जो ए बी सी डी है वो आपका क्या है एक स्क्वायर है ठीक है।